ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर मंगल कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 1 जून 2024 तक मंगल मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात ये अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में मंगल राहु के साथ अंगारक योग भी बनाने वाले हैं, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, मंगल को सभी नवग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है और मंगल को एक प्रभावशाली ग्रह भी माना जाता है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का, विज्ञान का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर मंगल का ही आधिपत्य होता है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। मकर राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, वहीं जब ये कर्क राशि में जाते हैं तो ये काफी नीचस्त अवस्था में भी हो जाते हैं। कुंडली पर मंगल अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो, शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल के बलवान होने पर जातक निडर और साहसी होता है। विपरीत परिस्थिति और कठिनाइयों में भी अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ डटे रहने की क्षमता मंगल के प्रभाव से ही जीवन में प्राप्त होती है। मंगल अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में रहकर, किसी के दबाव में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करता है। ऐसे जातकों को सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए कामों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। वहीं पीड़ित मंगल के प्रभाव से, कमजोर मंगल के प्रभाव से जीवन में दुर्घटनाओं का, पारिवारिक कलह का सामना जीवन में करना पड़ता है। शत्रुओं से पराजय का सामना, जमीन जायदाद से संबंधित विवाद, कर्ज का सामना जीवन में करना पड़ता है। वहीं मंगल अगर कमजोर अवस्था में विराजित हो तो जातक के जीवन में लगातार ऐसे व्यक्ति को बीपी की समस्या बनी रहती है। अल्सर, ट्यूमर, रक्तचाप, फोड़े फुंसी की समस्या मंगल के पीड़ित होने पर देखने के लिए मिलती है। और पीड़ित मंगल के प्रभाव से ही जातक के जीवन में लगातार संघर्ष की स्थिति भी जीवन में बनी रहती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों, मंगल आपके खर्च भाव और आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी होकर 23 अप्रैल 2024 को आपके एकादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के 4वें घर से लाभ, कर्म के द्वारा उपार्जित धन के बारे में, बड़े भाई के बारे में, मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में विचार किया जाता है। मंगल के इस परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों को कई प्रकार की शुभता जीवन में मिलने वाली है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि के लगन भाव पर जाने वाली है, वाणी भाव पर जाने वाली है। सप्तम दृष्टि आपकी राशि के संतान भाव पर जाने वाली है और अष्टम दृष्टि आपकी राशि के रोग भाव पर जाने वाली है।
तो सबसे पहले तो वृषभ राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में काम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन कर्म क्षेत्र में ज्यादा मेहनत के बावजूद भी यदि आपको धन की प्राप्ति कम हो रही है, लाभ भाव पर मौजूद मंगल आपके जीवन में कई माध्यम से धन की वृद्धि करने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन में सुधार आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आप पाएंगे कि आप बेहतर समर्पण के साथ अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर काम करने वाले हैं। यानी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कार्य व्यवसाय के लिए स्थिति बहुत ही सकारात्मक बनने वाली है तथा इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को रचनात्मकता से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलने वाली है। यदि आप क्रिएटिव क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपका जुड़ाव मंगल जनित क्षेत्रों में है, यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग इन सभी क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं तो भी समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी में यदि आपका जुड़ाव है और किसी प्रकार से यदि आप विजय की संभावना लेकर चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी जैसे मुद्दों में आपको इस समयावधि में सफलता मिल सकती है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में संतान पक्ष के लिए भी ये समय थोड़ा चुनौती आपको जरूर देने वाला है। संतान की प्रगति को लेकर कहीं न कहीं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में चिंता भी बढ़ सकती है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में कुछ खास बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले यदि आप किसी व्यक्ति को कर्ज देने के लिए जा रहे हैं या किसी व्यक्ति से यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं, इन दोनों जगह पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्ज देने और कर्ज लेने दोनों से आपको बचना चाहिए। दूसरा, मंगल की जो उपस्थिति है वर्तमान में राहु के साथ प्रभावी है, एकादश भाव पर प्रभावी है, तो इस समयावधि में क्रोध की अधिकता आपके जीवन में आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता भी इस समयावधि में रहने वाली है। और वृषभ राशि वाले जातकों, घर के बड़े सदस्य, घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को मानना भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस समयावधि में यदि आप अपने से श्रेष्ठ अनुभवों का आदर करते हैं तो समय आपके लिए काफी शुभ रहेगा। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, मंगल जनित दुष्प्रभावों को जीवन से समाप्त करने के लिए इस समयावधि में गायों की सेवा करना वृषभ राशि के लिए शुभ रहने वाला है। गायों को यदि आप गुड़ खिलाते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। मंगलवार के दिन यदि आप मंगल की होरा में गेहूं, तांबा, गुड़, खांड़, लाल चंदन इनमें से किसी भी चीज का यदि आप दान करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः।